जब मुझे YouTube पे किसी क्रिएटर का वीडियो बहुत ही पसंद आता है तब मैं जाके उस क्रिएटर का पहला वीडियो देखता हूँ, जो ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं होता। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन उस वीडियो को देख लेने के बाद जब मैं जाके उनका रिसेंट वीडियो देखता हूँ तब पता चलता है उस क्रिएटर की मेहनत। मुझे ये तो पता था मेरा YouTube चैनल का कॉन्टेंट क्या होने वाला है, लेकिन इस चीज़ को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज था। शुरू कहाँ से करूँ, पहला वीडियो कौन सा डालूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया मेरा पहला वीडियो इस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, व्हाई आई एम डूइंग दिस एंड व्हाई यू आर वाचिंग दिस। सो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल, माय सेल्फ शुभ्रो एंड यू आर वाचिंग एसडी मोटर राइडर। स्टोरी कुछ 2017 की है, तब मैं कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर पे था, नया नया जियो का सिम आया था एंड पहली बार यूट्यूब बिना बफरिंग के चल रहा था ऑल टाइम। वरना पहले तो एयरटेल पे 169 रुपीस में 1 GB और वो भी 3G इंटरनेट मिलता था, बहुत नाइंसाफी था। लेकिन जियो आने के बाद सीन कम्प्लीटली चेंज हो गया था। मैं पूरा दिन यूट्यूब पे पड़ा रहता था एंड मैंने देखा कुछ व्लॉगिंग चैनल्स, मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा एंड मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए और मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं जिन व्लॉगर्स को देखता था वो कहीं ना कहीं सारे अपने अपने लाइफ में सेटल थे, अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल एंड रोज़ उनके लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता ही था। और उस टाइम पे मैं रोज़ कॉलेज 75% अटेंडेंस, इंजीनियरिंग कॉलेज का इतना सारा प्रैक्टिकल्स, वाइवा, क्लास टेस्ट, मिड टर्म, एंड टर्म एंड वगैरह वगैरह, इतना बोरिंग लाइफ। भाई कौन पसंद करेगा इतना एक बोरिंग लाइफ को देखना। तो मैंने सोचा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो तुम ब्लॉगिंग। और बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल एट दैट पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ ब्लॉगिंग। फिर टाइम बीतता गया, सब कुछ धीरे धीरे सही हो गया, ब्लॉगिंग का जो भूत सर पे सवार था वो भी उतर गया। पर एक टाइम ऐसा आया जब मुझे बाइक खरीदना था। उस टाइम पे मैं कंफ्यूज था कि मुझे कौन सा बाइक लेना चाहिए। अभी तो मेरे पास R15 V3 है। आप एक चीज नोटिस करोगे, जब आप कोई नया मोबाइल खरीदते हो आप यूट्यूब पर जाके बहुत सारे चैनल्स पे उस मोबाइल का रिव्यू देखते हो, फिर क्या होता है, यूट्यूब आपको सिमिलर चीजें ही सजेस्ट करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे पास सजेशन पे आया एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का एक वीडियो, इरफान जुनेजा का वीडियो, एंड दैट वीडियो वाज अबाउट हिज R1। पहली बार किसी मेटेरियलिस्टिक चीज के ऊपर इतना प्यार आया। वैसे R1 लेने का ना तो मेरे पास जिगर है और ना ही औकात। R1 क्यों, R6, R3 ये भी नहीं ले सकता। और इसीलिए मैंने फाइनल किया कि मुझे खरीदना है यामाहा R15 V3। सो दिस इज माई यामाहा R15, माई लव, माई बाइक। बाइक खरीदने के बाद मुझे पता चला कि बाइकिंग पर इतना मजा है, ट्रेवलिंग पर इतना सारा एडवेंचर है एंड मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। मुझे बस पसंद है बाइक चलाना एंड नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि यूट्यूब पे अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा देखते हो देन यूट्यूब आपको सिमिलर चीज़ें ही सजेस्ट करता है। तो मैं देखने लगा बाइक्स एंड मेरे पास आने लगा सजेशन में बहुत सारे मोटो व्लॉगर्स की वीडियो, बहुत सारे ट्रेवल व्लॉगर, ट्रेवल फिल्म मेकर्स की वीडियो एंड मुझे बहुत पसंद है बाइकिंग देखना, ट्रेवलिंग देखना, फिल्म मेकिंग देखना। इस बाइक के साथ मेरा रिलेशन को 1+ ईयर टाइम हो चुका है एंड इस एक साल में मैं बहुत घूमा। कभी कभी तो मुझे कोई पार्टिकुलर डेस्टिनेशन का भी जरूरत नहीं होता, बस बाइक लेके निकल जाओ एंड घूमते रहो, जो मिले देखो, इंजॉय करो एंड लुक एट दिस अमेजिंग व्यू, यहाँ का कितना खूबसूरत है।
2020 आई गेस जून या जुलाई का टाइम है जब मैं अपनी एक राइड की वीडियो एडिट कर रहा था सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए। एंड मैंने देखा कि एक मोटो व्लॉगर जो जो चीज़ें करता है मैं भी सिमिलर चीज़ें ही करता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है मैं उन चीज़ों को अच्छी तरीके से फिल्म करके यूट्यूब पर नहीं डालता। सो जो व्लॉगिंग का सपना मैंने छोड़ दिया था वो फिर से जाग उठा, लेकिन इस बार एक नया नाम के साथ, ट्रैवलिंग मोटो व्लॉगिंग। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ट्रैवल व्लॉगिंग करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है तो करना है। लेकिन सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। पहला मेन प्रॉब्लम कोरोना, दूसरा मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम। अगर मैं अपने लैपटॉप में 5 मिनट से ज़्यादा टाइम तक प्रीमियर प्रो को ओपन करके रखूँ तो लैपटॉप इतना गर्म हो जाता है, लिटरली आप उसके ऊपर रोटी सेक सकते हो। एंड और एक मेन प्रॉब्लम था हिंदी। आप इतने देर से अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा मुझे हिंदी में ठीक से बात करना नहीं आता। सो इतने सारे प्रॉब्लम्स को अगर मैं साइड में हटा भी दूँ, कोरोना सिंगल सफिशियंट था मुझे रोकने के लिए। सो जितने टाइम कोरोना को लगा थोड़ा कम होने के लिए, उस टाइम तक मैंने भी अपना माइंडसेट बना लिया कि हाँ मुझे अब ये करना है और लॉन्ग टाइम के लिए करना है। अभी मैं हूँ NIT आगरतला, 8th सेमेस्टर पे फाइनल ईयर चल रहा है। कुछ दिनों बाद कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगा एंड पता नहीं उसके बाद क्या करूँगा। मोटो व्लॉगिंग करने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, अभी अगर चैनल शुरू कर लिया तो शायद कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी उसे संभाल पाऊँ। एंड लैपटॉप का कुछ ना कुछ मैं कर ही लूँगा, जैसे तैसे चल जाएगा। अभी एक सिर्फ प्रॉब्लम रह चुका है और वो है हिंदी का। हिंदी का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आई गेस मैं जितना वीडियोज़ बनाता चलूँगा हिंदी में धीरे धीरे इम्प्रूव हो ही जाएगा। So, सारे प्रॉब्लम्स हो गए खत्म एंड हियर आई एम विद माय मोटो व्लॉगिंग चैनल SD मोटो राइडर। मुझे मेनली करना है ट्रैवल व्लॉगिंग, लेकिन चैनल के इनिशियल डेज पे मैं ट्रैवल व्लॉगिंग के साथ साथ कुछ बाइकिंग रिलेटेड स्टफ्स भी डालता रहूंगा। एंड जैसे जैसे चैनल का ग्रोथ होता चलेगा मैं कोशिश करूंगा चैनल का कैटेगरी को मैं ट्रैवलिंग के तरफ लिमिटेड करता चलूं। So this is the reason why I am here on YouTube. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको राइडिंग पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, देन इस वीडियो को लाइक करो। और क्या अच्छा लगा, सिमिलरली क्या अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको क्या नहीं अच्छा लगा वो मेरे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो कॉमेंट पर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। ओ भाई सामने से तो हटो, ऐसे तुम सामने आओगे तो कैसे चलेगा। सो मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए एंजॉय करो, घूमो फिरो, जो मर्जी वो करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।